इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडी मेडिटिव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमडी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज बताएंगे एक स्पेशल इंजेक्शन के बारे में, जिसको ओल्ड एज में यानी बुढ़ापा में बहुत ज्यादा यूजेस लिया जाता है। हालांकि कम एज के जो मरीज है उनमें भी यूजेस लिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूजेस लिया जा सकता है ओल्ड एज में यानी बुढ़ापा में। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है, तब उसी सिचुएशन में इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा उपयोग लिया जाता है। आज बात करेंगे एस्टिमिन 3 इंजेक्शन के बारे में, जो मुख्यतः इसके जो कंटेंट्स है वो है एमिनो एसिड। ये एक एमिनो एसिड सप्लीमेंट है और प्रोटीन का भी सप्लीमेंट का इंजेक्शन है। इसको सिर्फ आईवी लगाया जाता है यानी इंट्रावेनस में लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर नहीं लगाया जाता। जिस तरह से आईवी फ्लूइड दिया जाता है यानी कुछ भी एनएस या आरएल चलाया जाता है, उसी तरह से ये इंजेक्शन दिया जाता है आईवी फ्लूइड के माध्यम से, आईवी वेनस के माध्यम से। ये 20 ml की पैकेजिंग आते हैं, 130 से लेकर 150 रुपया के बीच में 20 ml का पैकेजिंग बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको हर मेडिकल स्टोर में मिलेगा, बट ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि इसको सिर्फ हॉस्पिटल सप्लाई में यानी सिर्फ हॉस्पिटल में इसको यूजेस लिया जा सकता है। क्योंकि इसको आप घर में यूजेस ले, डॉक्टर के सुपरविजर में ना ही यूजेस ले, तब बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, पेशेंट का जान भी जा सकता है, इसलिए डॉक्टर के सुपरविजर में ही इसका यूजेस किया जाता है। ये जो एस्टिमिन 3 मैंने इंजेक्शन बताया, ये एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर जो कंटेंट्स मिलता है बहुत सारा, वो मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए कितने सारा इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। ये सभी इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करके मिलाया जाता है। ये इंजेक्शन कब दिया जाता है, किन किन सिचुएशन में दिया जाता है या किन किन बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। ओल्ड एज में यानी बुढ़ापा में जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाता है, तब इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जाता है। जो हाथ पैर बैठ जाता है, चलने फिरने का क्षमता नहीं है, हाथ पैरों की जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, इसी कारण से कभी कभी पैर फूलने लगता है और किसी किसी पेशेंट का हाथ पैर थरथराने लगते हैं, वो लोग चल नहीं पाते ठीक से, उसी सिचुएशन में इस मेडिसिन देने से यानी इस इंजेक्शन को लगाने से बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। पेशेंट का बहुत ज़्यादा वीकनेस दूर हो सकता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सकता है। और भी यूजेस है, जैसे कि कई तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जाता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी के मामलों में भी प्रोटीन को बूस्ट करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। मसल्स जब स्टीफ हो जाता है, उसी सिचुएशन में मसल्स को ठीक से रिलैक्स करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जाता है। और एक यूजेस है ओल्ड एज में यानी बुढ़ापा में, जब मेमोरी लॉस हो जाता है। बुढ़ापा में ये होना स्वाभाविक है, ये जब मेमोरी लॉस हो जाता है तभी डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन को यूजेस लिया जाता है यानी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, बहुत ही प्राणदायी इंजेक्शन है। इसको यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि खुद से यूज करने पर बहुत सारा साइड इफेक्ट जब होगा आप संभल नहीं पाओगे, इसलिए डॉक्टर के सुपरविजन में ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। साइड इफेक्ट में से सबसे खतरनाक जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो है स्किन रैशेज। स्किन रैशेज बहुत उठ सकता है, जब इनके कंटेंट से कोई भी पेशेंट पहले एलर्जिक रह चुका हो उनमें बहुत सारा प्राणघाती समस्या भी हो सकता है। हेडेक हो सकता है, नाउजा वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकता है, चिल महसूस हो सकता है, किसी किसी का फीवर भी आ सकता है। ये सब साइड इफेक्ट्स जब ज़्यादा लगे आपको, आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद कीजिए और डॉक्टर से आप बताइए। डॉक्टर को बताने के बाद डॉक्टर आपका जो साइड इफेक्ट्स हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए दूसरे कोई व्यवस्था कर सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसकी यूजेस लिया जा सकता है। डोज जाने से पहले इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन जान लेंगे, किन किन पेशेंट को ये दिया नहीं जा सकता। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में डॉक्टर के सलाह के बिना ये मेडिसिन नहीं दिया जा सकता। इनके कंटेंट से जो कोई भी पहले एलर्जिक रह चुका हो उनमें नहीं दिया जा सकता। और इस मेडिसिन को लेने के बाद तुरंत ही ड्राइविंग करते मत जाइएगा और ऊंचाइयों में काम करते मत जाइएगा, हानिकारक साबित हो सकता है। जिन पेशेंट का शरीर में पहले से क्लॉटिंग डिसऑर्डर नाम की बीमारी है यानी बार बार खून के धब्बे बन जाता है, उस पेशेंट को ये मेडिसिन दिया नहीं जा सकता। दोस्तों, सबसे लास्ट में जानेंगे इसके डोज सेक्शन, डोज क्या हो सकता है। डोज डॉक्टर जांचने के बाद ही प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि खुद से इसका डोज नहीं निर्धारण किया जा सकता। डॉक्टर अच्छे से जांचता है, उसके बाद ही डोज निर्धारण करता है। फिर भी जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है, किसी किसी पेशेंट को पर डे एक इंजेक्शन लगाया जाता है 3 से लेकर 5 दिन के लिए, और किसी किसी पेशेंट को एक दिन छोड़ के एक इंजेक्शन लगाया जाता है वो 5 से लेकर 7 दिन के लिए,
और किसी किसी पेशेंट को 2 बार 2 दिन लगाने से ही बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इसको ऐसे ही लगाया जाता है और आई भी ओनली दिया जा सकता है, यानी इंट्रावेनस ओनली दिया जा सकता है। जैसे NSRL तथा अदर्स फ्लूइड चलता है उसी फ्लूइड के तरह इसको भी दिया जा सकता है। इसके ड्यूरेशन मैक्सिमम हो सकता है 5 से लेकर 7 दिन, डॉक्टर जांचने के बाद ही ये ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज कीजिए। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।